हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके कुकरी क्लासेस एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जितेंद्र और आज की वीडियो में हम बनाएंगे चूरमा के लड्डू। ये रेसिपी इतनी क्विक है, सिंगल पैन में बन जाती है। जस्ट बेसिक टेक्निक्स याद रखनी है और इसके मेजरमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स दोनों बहुत ईजी है। आपने बहुत तरीके से रेसिपी देखी होगी कि चूरमा के लड्डू बहुत सारे लोग भाकरी बना के बनाते हैं, बहुत सारे लोग मुठिया बना के बनाते हैं। तो ये एकदम इजी, सिंपल और क्विक रेसिपी है और आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें और ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें सारे टिप्स और टेक्निक्स जानने के लिए। तो अभी हम चूरमा के लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। चूरमा के लड्डू बनाने के लिए आपको कास्ट आयरन की कढ़ाई यूज़ करनी है। इससे क्या होता हैवी बॉटम पैन की वजह से और हमें इसको कंटिन्यू स्टर करना होता है। सो हमको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो स्क्रैच प्रूफ हो। सो हम आयरन की कढ़ाई यूज़ करेंगे, इसमें बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। हम हमारे कढ़ाई में डालेंगे पानी, मिल्क। आप चाहो तो आप पूरा मिल्क भी ले सकते हो और पूरा पानी भी ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ दोनों हाफ हाफ लेने से, ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे घी, सभी जैसे आप देख सकते हो हमारा घी, मिल्क और वाटर अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कोर्सली ग्राइंड किया हुआ व्हीट फ्लार। ये आपको ऐसा दरदरा पीसा हुआ गेहूं का आटा लेना है। अब हमारा मिल्क, घी और वाटर अच्छे से बॉईल हो चुका है और हमने फ्लेम लो कर देनी है ये टाइम पे। अब हम हमारा व्हीट फ्लार डालेंगे, आपको एक ही साथ सारा डाल देना है। अब आपको ऐसा एक पलटा लेना है और इसकी हेल्प से आप इसे स्टोर करोगे। जैसे आप देख सकते हो इसमें जो भी लम्स है ना, ये लम्स हमें ब्रेक करना है और ये थोड़ा पाउडरिश हो जाएगा और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तब तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है। जस्ट आपको क्या करना है, ऐसे आप प्रेस करते रहोगे और ऐसे आपको इसे अच्छे से भूनना है। जैसे आप देख सकते हो हमारा मिक्सचर अभी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। हमें इसको तब तक ऐसे ही मिक्स करते रहना है जब तक हमारा मिक्सचर 70-80% ड्राई ना हो जाए और इसमें एकदम लाइट छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है ना, वो थोड़े से ब्राउन होने लगेंगे। तब तक हमें इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना। सो बेसिकली क्या होगा, हम ना इसे स्टीम दे रहे हैं और उसके साथ हम इसे रोस्ट भी कर रहे हैं। सो हमारे दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं। सो जैसे आप देख सकते हो इसमें ना वाइट ग्रेन्स का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, वो अच्छे से जो हमने दरदरा गेहूं का आटा लिया है ना, वो ग्रैन्यूल्स अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और इसमें वाइट क्वांटिटी बढ़ने लगेगी ना, इसका मतलब है कि हमारा आटा अच्छे से भुन चुका है। और एक इंडिकेशन आपको क्या करना है, ऐसे जस्ट आप प्रेस करके देखोगे, आपका जस्ट लाइट होल्ड करना चाहिए जब आप इसको प्रेस करोगे। अब हमारा आटा अच्छे से रोस्ट हो चुका है, हम इसे एक परात में निकाल देंगे। सो जब हमारा ये मिक्सचर थोड़ा वार्म होगा ना, तब हमें क्या करना है, हमारे हाथों के बीच में रब करना है इसको और हमें इसको और सेपरेट कर देना है। तो आप ये देख रहे हो जब आप इसको प्रेस करोगे ना, तो ऐसे एक मुट्ठी जैसा मिक्सचर बनना चाहिए, इतना ही रोस्ट करना है। ये देखो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। सी अब हम इसको ऐसे रब करके लूज कर देंगे। अगर गलती से आपका मिक्सचर ज़्यादा ड्राई हो जाए तो ये टाइम पे आप इसमें 2-3 चम्मच गरम किया हुआ दूध भी डाल सकते हो। ये देख रहे हो जैसे आप इसको रब करोगे ना, ये और दाने दाने में कन्वर्ट होते जाएगा। ये देखो अब हम हमारा पाक रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम डालेंगे घी, अब हम इसमें डालेंगे गुड़। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसको तब तक पकाना जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। मेल्ट होने के बाद 1-2 बबल आने तक हम इसे पका लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये टाइम पे हम हमारा फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर हम इससे ज़्यादा और ये हमारे पाक को पकाएंगे तो क्या होगा, इसका जो भी मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा और ये लड्डू नहीं चिक्की जैसा मिक्सचर बन जाएगा। इसके लिए हमें इसमें मॉइस्चर चाहिए, जस्ट हमें इसको इतना ही पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा रोस्ट किया हुआ मिक्सचर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप ना ये लड्डू के लिए जो ब्लैक गुड़ आता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो, उससे और अच्छा टेस्ट आता है।
सो आपको ना ये प्रॉपर मिक्स होने के बाद फिर से आपको फ्लेम ऑन करनी है, लो फ्लेम पे रखना है और हम इसे 30-40 सेकेंड्स के लिए और पका लेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, इसको अच्छे से ऐसे प्रेस करते हुए हम इसे 30-40 सेकेंड के लिए पका लेंगे। इन केस आपको लगे कि आपका मिक्सचर ड्राई है, क्रम्बली हो रहा है, तो आप ये टाइम पे 2-3 चम्मच जितना दूध और ऐड कर सकते हो। और ये भी हो सकता है अगर आपने आपका डो अच्छे से नहीं रोस्ट किया है, जब हमारा मिक्सचर स्टीम कर रहे थे वो टाइम पे, तो बहुत बार क्या होता है अपना पाक कच्चा रह जाने की वजह से ये और लिक्विड भी देख सकता है, तो आप उसको और लंबे समय के लिए पका सकते हो जिससे कि वो मॉइस्चर उड़ जाए और ड्राई हो जाए। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लड्डू प्रिपेयर हो चुके हैं? सो आपको क्या करना है, सारा डो एक साथ इकट्ठा करो, ऐसे आप बीच में पलटा डाल के जस्ट इसे ऐसे पीछे के साइड खींचो। ये ना ऐसे सेपरेट होने लगेगा, ये इंडिकेशन है कि हमारा लड्डू प्रॉपर रेडी हो चुका है। अब हम हमारी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसे ऐसे ही हमारे पैन में 30-40 सेकेंड के लिए स्प्रेड कर देंगे। ओके, ऐसे आपको अच्छे से स्प्रेड कर देना। इससे होता क्या है, अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा ना तो वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होके इवापरेट हो जाएगा, इसके लिए आपको इसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और हमारा कढ़ाई भी गर्म है। अब क्या करेंगे, हम इसको एक आध मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम दूसरे पैन में निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इसे 1-2 मिनट के लिए नीड कर लो या डायरेक्टली लड्डूस बना सकते हो। अब देख सकते हो इतना घी होना चाहिए आपके लड्डू में। अब हम इसके इक्वल साइज के लड्डूस बना लेंगे। सो आपको इतना हैंडफुल पोर्शन लेना है। और अब हम क्या करेंगे, हम हमारे दूसरे हाथ के पाम के सेंटर में हमें हमारा लड्डू रख देना है। ये दो फिंगर और थंब यूज़ करना है ये हाथ का, और ये पूरा हाथ हम यूज़ करेंगे और हम हमारा लड्डू बना लेंगे। ऐसे आपको प्रेस करना है। इससे क्या होता है, हमारे लड्डू में बाइंडिंग आती है और ये खुलता नहीं है। ये भी लड्डू टाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पाम की हेल्प से हम इसे सर्कल कर देंगे और हमारा इजी क्विक चूरमा का लड्डू बनके रेडी है। अगर आपको ये इजी क्विक चूरमा के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ऐसे ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। उसके पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी।